हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक इलस्ट्रेशन। आज हम बेसिकली एक इलस्ट्रेशन ही करेंगे जो बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन है, और ये वर्क पावर एनर्जी का आप सब चाह रहे हैं, हमारा ऑन गोइंग चैप्टर है। तो धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा, बाद में नया चैप्टर आएगा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आता है मतलब वर्क पावर एनर्जी में, वो ऐसे प्रकार पर आता है। तो दोस्तों, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमें फोर्स दे दिया है कि कैसे फोर्स दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, हमें वर्क निकालना है। तो आइए दोस्तों मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में वर्क जो होता है वो होता है एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पर मैं फोर्स का मतलब डी एस क्या है, डी एस बेसिकली हमारा क्या है दोस्तों, डी एस इज अवर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा डी एस वेक्टर कितना होगा, देखो पहले पहले आई कैप पे था, पहले मतलब फाइनल आई कैप पे था और इनिशियल माइनस आई कैप पे था, तो कितना हुआ 2i कैप। और बाद में देखो फाइनल इस पे था माइनस जी कैप और इनिशियल इस पे था पॉजिटिव जी कैप, तो बाद में क्या हुआ माइनस 2j कैप हुआ। और ये देखो ये 3k पे था और ये -2k पे था, तो फिर इनिशियल और फाइनल दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा 3 -2 व्हिच इज पॉजिटिव ऑफ 5k। तो दिस इज अवर ds एंड फोर्स का फंक्शन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फोर्स का फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो आइए हम इधर सिर्फ वैल्यू प्लग करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट दिस डी एस वेक्टर विच इज 2i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ से आई और आई 6। तो दोस्तों आप सबको मिल गया होगा आपका जवाब 16 - 4 दैट इज 12 जूल। तो इसमें बेसिकली इतना वर्क हुआ होगा। मैंने इसमें बताया नहीं आपको कि कब हमने मतलब डॉट प्रोडक्ट में आप सबको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये अपना डॉट प्रोडक्ट आई और आई के साथ होता है, जी और जी के साथ होता है, के और के साथ होता है। तो आई और आई में कितना है 3 2 6 यहाँ पे मेंशनड है, और 2 और 2 -4 2 into -2 दैट इज -4 और 5 into 2 दैट इज 10। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा आ गया 12 जूल। तो ये बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का, बहुत बेसिक है, वेरी बेसिक। तो फिर दोस्तों इसी के साथ हमारा ये इलस्ट्रेशन ख़त्म होता है, पर दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा मतलब वीडियो होगा इलस्ट्रेशन पे होगा, वो इससे थोड़ा मज़ेदार होगा। तो बस यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, जब हमें R2 और R1 वेक्टर दिए हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और डॉट प्रोडक्ट निकालो और आंसर निकालो। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए।